टाइम यूट्यूब चैनल। क्या आपने कभी सोचा है, जब घड़ियां नहीं थी, मोबाइल्स और टीवी नहीं थे, तब लोग बिना टाइम देखे अपने सारे काम कैसे करते होंगे? टाइम देखने की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। पर क्या आपको पता है, ऐसी व्यवस्था नेचर ने हमारे शरीर में पहले से ही कर रखी है, बस अब हमने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, क्योंकि अब हम एक्सटर्नल फिजिकल चीजों पर ज्यादा डिपेंड हो गए हैं। जब हम किसी चीज का इस्तेमाल लंबे समय तक नहीं करते, तब वो खराब होना शुरू हो जाती हैं, या उनमें जंग लग जाती है, या फिर उनकी क्वालिटी में गिरावट आने लगती है। सेम रूल हमारी बॉडी पर भी अप्लाई होता है। जब हमारा लाइफ स्टाइल दिन भर बैठे रहने का हो, हम कोई भी फिजिकल वर्क ना करते हो, तो हमारी बॉडी को रेस्ट में रहने की आदत हो जाती है और धीरे धीरे बॉडी काम करना बंद कर देती है। ऐसी ही एक नेचर की दी हुई नेचुरल क्लॉक, जिसे हम बायो क्लॉक भी कहते हैं, जो अब लगभग बंद होने लगी है, लंबे समय से इस्तेमाल ना होने के कारण। पर क्या फर्क पड़ता है, अब तो हमारे पास क्लॉक्स और मोबाइल्स हैं टाइम सेट करने के लिए। आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी बॉडी हेल्थ, मूड, बिहेवियर और एनर्जी लेवल पर क्या फर्क पड़ता है, अगर हम अपनी बायो क्लॉक को नहीं समझते या इसे इग्नोर कर देते हैं। जानने के लिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। बायो क्लॉक होती क्या है, पहले ये जान लेते हैं। मान लीजिए कि आपको सुबह उठकर जल्दी कहीं जाना है और सुबह 4 बजे का अलार्म लगाकर आप सो जाते हैं, पर आपने देखा होगा कि उस दिन आप अलार्म बजने से पहले ही उठ जाते हैं, भले ही आप रोज 8 बजे उठते हो। दिस इज आवर बायो क्लॉक। जी हाँ, इसी को हम अपनी बायो क्लॉक कहते हैं। हमारे बहुत सारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इस क्लॉक का इस्तेमाल आज भी करते हैं, उन्हें किसी एक्सटर्नल क्लॉक की कोई जरूरत नहीं। सदियों पहले जब घड़ियां नहीं हुआ करती थी, तब लोग इसी बायो क्लॉक का इस्तेमाल किया करते थे। इंसान का शरीर सिर्फ कुछ ऑर्गन्स या टिश्यूज से मिलकर ही नहीं बना होता, इसमें बहुत सारी ऐसी इनविजिबल चीजें होती हैं जो 2400 घंटे हमारे शरीर में चलती रहती हैं, पर उनके बारे में हमें पता नहीं होता। इसे सर्कैडियन रिदम या इंटरनल क्लॉक भी कहा जाता है, और इसी क्लॉक की वजह से हमारे शरीर की सभी फिजिकल एक्टिविटीज, सोने जागने की साइकिल, हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म भी चलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है जिसे हम देख नहीं पाते, यहाँ तक कि हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी मेंटल हेल्थ, मूड, बिहेवियर और एनर्जी लेवल भी इसी से प्रभावित होता है। और कैसे इसके डिस्टर्ब होने से हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे स्लीप डिसऑर्डर और डिप्रेशन। खास बात ये है कि बायो क्लॉक सिर्फ सोने जागने तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी लाइफ के हर हिस्से में अपना रोल निभाती है। जैसे बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वो 70-80 इयर्स तक की उम्र आते आते या तो बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाएंगे या फिर इस दुनिया से ही चले जाएंगे, और लगातार ये सोचते हुए ऐसे ही बायो क्लॉक अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं, और एक्चुअल में उन्हें 50-60 की एज तक बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। असल में हम अनजाने में अपनी गलत बायो क्लॉक सेट कर लेते हैं। चाइना के लोग आज भी लंबी उम्र क्यों जीते हैं, क्योंकि उनकी बायो क्लॉक उसी तरह से सेट होती है। हमेशा याद रखिए, एज इज जस्ट ए नंबर एंड ओल्ड एज इज माइंडसेट। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड बायो क्लॉक? हमारे पूर्वजों ने सभ्यता के विकास के शुरू में ही समय के महत्व को समझ लिया था। उन्होंने घड़ी के आविष्कार से पहले ही समय को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, दिन रात, प्रातःकाल, मध्यकाल, संध्याकाल, क्षण और प्रहर में बांटकर सोने जागने, खाने पीने, काम आराम, सभी एक्टिविटीज को एक रूटीन बनाकर हमें दे दिया, और इसको धार्मिक परंपराओं में इसलिए बांधा ताकि हम इसको सीरियसली लें। जो बातें हमारे ऋषियों और आयुर्वेदाचार्यों ने हमारे जल्दी सोने जागने और फूड हैबिट्स को लेकर बताई, उन पर ही स्टडी करके आज के मॉडर्न साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अपनी भाषा में पूरा समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी बातें हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और वेलबींग से जुड़ी होती हैं। अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन हैं या फिर रात में जागने वाले उल्लू, सभी को अपनी बायो क्लॉक को समझना बहुत जरूरी है टू लीड ए हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। क्योंकि जब हम नेचर के अगेंस्ट जाकर कुछ करते हैं, तो उसके दुष्परिणाम हमें ही झेलने पड़ते हैं।
क्योंकि नेचर ने सब कुछ बैलेंस करके बनाया है। अगर रात सोने के लिए ना होती तो इसे बनाने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि रात में सोते वक्त हमारी बॉडी की रिपेयरिंग, सेल्स का रिजनरेशन और हॉर्मोन्स की स्टेबिलिटी हो रही होती है। आपने बहुत सारी घड़ियों के नाम सुने होंगे, जैसे रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर शायद आपने बायो क्लॉक या जैविक घड़ी का नाम शायद ही सुना होगा। दरअसल ये घड़ी हमारे अंदर ही होती है। ये घड़ी भी तीन तरह की होती है, एक है शारीरिक समय चक्र, दूसरी मानसिक समय चक्र और तीसरी आत्मिक समय चक्र। पर आज हम सिर्फ शारीरिक समय चक्र यानी बायो क्लॉक की ही बात कर रहे हैं। हर इंसान का जन्म और मृत्यु तय होता है। प्रकृति की अपनी एक घड़ी है जो धरती के सभी पेड़ पौधों, जानवरों और इंसानों पर लागू होती है। हर जीव उसी घड़ी के अनुसार काम करता है, पर इंसान ने अपनी इंटरनल क्लॉक के अनुसार काम करना छोड़ दिया है। नेचर ने हमें जो ये घड़ी दी है वो हमें दिखती तो नहीं, लेकिन अपना काम बहुत अच्छे से करती है। नेचर के सभी एलिमेंट्स अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले बदलावों को समझते हैं और अलर्ट मोड पर रहते हैं, लेकिन इंसान नहीं। एक्चुअली एनवायरनमेंट में होने वाले इन चेंजेस के अनुसार ही हमारी इंटरनल क्लॉक बॉडी की सभी एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है। दिन के शुरुआत यानी सनराइज से लेकर रात तक और फिर रात से लेकर सुबह तक का समय एक क्लॉक की तरह चलता रहता है। उसी तरह ह्यूमन बॉडी या शरीर भी जागता, जीता और सोता रहता है। इस दौरान बॉडी में उसी तरह के परिवर्तन होते हैं जैसे कि प्रकृति में होते हैं। प्रकृति में हर प्राणी सूर्य से पहले उठ जाता है, लेकिन इंसान सोया रहता है। और लाइट के इन्वेंशन के बाद तो इंसान का डेली रूटीन बिल्कुल ही बदल गया है। नेचर ने हर चीज का टाइम फिक्स कर रखा है। सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी और सभी दूसरे ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज एक नेचुरल बायो क्लॉक पर निर्भर होती हैं। जैसे पेड़ पौधों पर एक निश्चित टाइम पर फल और फूल लगते हैं, बसंत के पतझड़ में पुरानी पत्तियां गिर जाती हैं और नई नई आ जाती हैं। एक खास समय पर सीड्स जर्मिनेट होते हैं। ये सब बायो क्लॉक के कारण ही होता है। अब तो साइंस भी इस बात को साबित कर चुकी है कि इंसानों की तरह पेड़ पौधे भी रात और दिन को पहचानते हैं। इसी तरह जब कुछ लोग देर से सोते या उठते हैं तो उनकी बायो क्लॉक गड़बड़ हो जाती है और वो बहुत सारी बीमारियों जैसे आलस्य, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, एंगर और बहुत सारी मेंटल इलनेस के शिकार हो जाते हैं। और ये सब हो रहा है आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि धरती पर करोड़ों सालों से सभी जीवों की बायो क्लॉक का पैटर्न एक जैसा रहा है, और जिन लोगों का डेली रूटीन स्टेबल नहीं रहता या वो रेगुलर नहीं होते, उनकी बायो क्लॉक का मैकेनिज्म खराब हो जाता है। इस रिसर्च में ये भी पता चला कि इंसानों का डेली रूटीन हजारों सालों से एक जैसा रहा है और इसका कारण इंसान के अंदर लगातार चल रही बायो क्लॉक ही होता है, और ये इंसान के ब्रेन से ऑपरेट होता है। ब्रेन ही हमें जगाता और सुलाता है। आपको कई बार फील हुआ होगा कि कई बार पूरी रात आप सो नहीं पाते क्योंकि कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग थॉट आपको पूरी रात डिस्टर्ब करता रहता है और ब्रेन को शांति से सो जाने का सिग्नल नहीं मिल पाता। इसलिए रात में सोने से पहले हमें अपने ब्रेन को हर तरह के विचार से खाली कर देना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि हम अपने लाइफ की बायो क्लॉक को कैसे सेट करें जिससे एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकें। पहला, कम से कम 100 साल जीने का टारगेट बनाकर अपने दिमाग में डाल दें और अपनी बायो क्लॉक में ये टाइम सेव कर दें। जैसे कुछ लोग 70-80 की उम्र में भी खुद को यंग फील करते हैं और कुछ लोग 50 में ही बूढ़े हो जाते हैं। ये सब माइंडसेट का ही गेम है। दूसरा, अपने आप को ये विश्वास दिलाएं कि हम 60-70 तक भी कभी बीमार नहीं होंगे और जो बीमारियां हमें पहले हो चुकी हैं उनसे भी छुटकारा पा लेंगे, तो हमारी बायो क्लॉक वैसे ही सेट हो जाएगी। तीसरा, हमेशा एक्टिव रहें। ये कभी ना सोचें कि अब तो मेरी उम्र हो चुकी है तो अब हम बैठे रहेंगे। इससे आप और ज्यादा डल और बीमार होने लग जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी एक मशीन की तरह होती है। लगातार पड़े रहने की वजह से इसमें भी रस्ट लग सकती है, इसलिए वॉकिंग जॉगिंग को हमेशा कंटिन्यू रखें। चौथा, नेवर एवर अलाउ योर बायो क्लॉक सेट योर एंडिंग।
अपने बायो क्लॉक को जल्दी स्वर्ग जाने की परमिशन कभी ना दें। पांचवा, लाइफ में कभी खाली ना बैठें, कोई ना कोई हॉबी जरूर फॉलो करें, जिससे आपके खाली दिमाग को नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने का समय ही ना मिले। लास्ट पर सबसे इम्पोर्टेंट, कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज जरूर पढ़ें और अपने खाली समय को स्पिरिचुअलिटी को जानने में बिताएं। भक्ति करें, याद रखिए हम जैसा सोचते हैं हमारा शरीर उसी तरह से काम करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रीसेट योर बायो क्लॉक टू बी मोर हैप्पी एंड हेल्दी। नमस्कार।